अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, आई एम मोहम्मद आतिफ बाजवा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पंजाब कॉलेज गुजर खान कैंपस। तो मैं ये आप लोगों को डेमो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप अपनी स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाना है तो उनको हमें कोई चीज़ शो करनी पड़ जाती है तो वो हमने कैसे करनी है, तो उसके लिए जस्ट एक डेमो मैंने बनाया है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये आपकी क्लास है, ठीक है, ADB की है, ADS की है, आपने इसको कॉल करनी है, टाइम हो गया आपकी कॉल का, आपने ये जो यहाँ पे मीट नाउ का ऑप्शन है इस इनको कॉल कर देनी है। ठीक है, कैमरा आप बेशक ऑफ कर लें, ठीक है, मीट नाउ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, माइक मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ये स्टूडेंट है, इसको मैं कहता हूँ आस्क टू ज्वाइन। ठीक है, अब उसको कॉल जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम उसको कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे करेंगे, ये ऑप्शन है ना शेयर का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब कॉल हमारी स्टार्ट है, आ जाएगा डेस्कटॉप विंडो शेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये थ्री डॉट्स के साथ शेयर, ये क्या आ गया, शेयर विंडो, डेस्कटॉप विंडो। हम इंटायर स्क्रीन को यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ठीक है, दोबारा हम देख लेते हैं, ये जो ऑप्शन है शेयर का, इसके ऊपर ही डेस्कटॉप, जैसे ही क्लिक करेंगे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन निकल आएंगे। ठीक है, तो ये जो डेस्कटॉप विंडो है इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे तो शेयर एक्टिव हो जाएगा, अब आप शेयर कर देंगे, अब आपकी स्क्रीन जो है ना वो स्टूडेंट्स को दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है, ठीक है, तो अब जिस तरह ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये अब स्टूडेंट्स को नज़र आ रही है, देखें आ रहा है ना स्टॉप शेयरिंग। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैंने उन्हें कुछ स्लाइड पढ़ानी है, तो ये मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उनके स्क्रीन पर उनको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर मैंने उन्हें कोई कोई चीज़ लिख के बतानी है तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये अब ये उन्हें नज़र आ रही है, उन्हें मेरी वीडियो नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं उनसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर हमें उन्हें कोई इमेज दिखाना है, फ़र्ज करें कि हम उन्हें कोई इमेज शो करना चाहते हैं ड्यूरिंग क्लास समझाने के लिए, तो अब ये हमारी स्क्रीन उन्हें नज़र आ रही है, हम जो भी काम करेंगे वो उन्हें नज़र आना शुरू हो जाएगा। कोई चीज़ हम लिख के समझाना चाहते हैं तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे, वहाँ पे उन्हें लिख के बता देंगे, तो ये सारी स्क्रीन उनके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। जब आप इसको स्टॉप कर देंगे तो वो स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह मैं अब स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ, उन्हें मैं साथ पढ़ा रहा हूँ कि ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उन्हें इस तरह करके ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उनको भी यही स्क्रीन नज़र मेरी आ रही होगी। मैंने यहाँ पर कुछ लिखना है, कोई मैंने उन्हें चीज़ समझानी है लिख के, तो मैं यहाँ लिख के समझा सकता हूँ। ठीक है, कोई ड्राइंग बना सकता हूँ यहाँ पे, ये इमेज है, ये मैं इमेज उन्हें दिखा सकता हूँ कि हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का TCP/IP प्रोटोकॉल का इमेज है, उन्हें मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपने स्क्रीन दिखा ली उनको, अब आपने स्टॉप करना है तो आप इसको स्टॉप शेयरिंग कर देंगे। ठीक है, और ये कैंसिल करेंगे तो आपकी कॉल ख़त्म हो जाएगी।